Hi guys and welcome back to Cyber Warriors YouTube channel. So PHP series का ये third lecture है. अब तक हमने cover कर लिया PHP क्या होता है, उसके basics और difference क्या है static और dynamic website में. और आज की video में मैं आपसे बात करने वाला हूँ servers क्या होते हैं, क्योंकि मैंने बहुत बार 500 बार चिल्ला चिल्ला के बोला है PHP is a server side scripting language. ठीक है, तो आज का ये lecture सर्वर क्या है वो आपको बताएगा थोड़ा बहुत, और सर्वर को मैं डाउनलोड करके आपको दिखा दूंगा कहां से करना है. और पहला प्रोग्राम हम करेंगे अपना पीएचपी के अंदर. ठीक है जी, सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि आपको न्यू वीडियोज की नोटिफिकेशन मोबाइल में मिल जाए. दूसरी चीज, HTML वेब डिजाइनिंग के बहुत सारे वीडियोज यहाँ पे पोस्टेड हैं, फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट, लिनक्स के ट्यूटोरियल, और यहाँ पे आपको मिल जाता है यूट्यूब जैसी वेबसाइट कैसे बनाना है उसकी सीरीज. तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब पक्का करें, और वीडियो खत्म होने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक भी कर देना, कमेंट भी कर देना. सो पीएचपी जो है वो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है. एक होता है क्लाइंट साइड, एक होता है सर्वर साइड. ठीक है, क्लाइंट साइड वो है जैसे कि ये वेब पेज मेरे सामने है XAMPP सर्वर का, और या फिर गूगल का एक पेज मान लीजिए आप, फेसबुक का एक पेज, वो जो हमें शो हो रहा है वो है क्लाइंट साइड. ठीक है, जो बैकएंड पे रन कर रहा है मैक्सिमम केसेस पे वो चांसेस है, अगर वो पीएचपी पे डील कर रहे हो तो सर्वर साइड, अगर वो पीएचपी पे डील कर रहे हो तो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज. एचटीएमएल में क्या था, हम डायरेक्टली डबल क्लिक करते थे अपने वेब पेज के ऊपर और उसको रन कर लेते थे. ठीक है, अब तक हमने यही किया, जैसे कि ये मेरा एक फॉर्म है, डबल क्लिक किया मैंने और रन कर लिया, ये है क्लाइंट साइड, ये नॉर्मल तरीके से रन हो जाते हैं. PHP सर्वर साइड है, उसको आप डबल क्लिक करके रन करेंगे तो नहीं होगा, अगर होगा तो कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे, एरर्स आएंगे, वो मैं थोड़ी देर के अंदर आपको बताने वाला हूं. तो वो सर्वर पे ही रन करेगा. अब सर्वर क्या चीज है, देखिए एक होता है लोकल होस्ट, एक होता है ग्लोबल. ग्लोबल मतलब कि आपकी वेबसाइट को जब आप ग्लोबल सर्वर पे रखोगे, ऑनलाइन रखोगे, तो पूरी दुनिया में कोई भी उसे देख सकता है, अपने मोबाइल कंप्यूटर टैबलेट या जो भी एक ऐसा डिवाइस जिसके ऊपर इंटरनेट हम चला सकते हैं और वेब पेज एक्सेस कर सकते हैं, ब्राउजर चला सकते हैं, वहां से आपकी वेबसाइट को देखा जा सकता है. जैसे कि एग्जांपल के लिए हम मान लेते हैं xyz.com, cyberwarriors.youtubechannel.com, वैसे तो ये मेरी वेबसाइट नहीं है बट ऐसा कुछ लोकल जो होगा. अब कई बार क्या होता है, जो स्टूडेंट होते हैं वो बाय नहीं कर सकते, भाई सीधी सी बात है सर्वर बाय करना आसान काम नहीं है, पैसे खर्च होते हैं, 3,000, 4,000, 5,000, सिक्योरिटी अच्छी रखनी है, क्लाउड पे जाना तो 10,000, 20,000, 40,000 साल के लग जाते हैं, लेकिन 3,500 से स्टार्ट हो जाता है, उससे कम में भी मिल जाते हैं कई बार. वो सर्वर जो होता है वो आपका स्पेस होता है. दूसरा होता है डोमेन नेम. डोमेन नेम क्या हुआ, जैसे कि example.com, google.com, ये जो नाम है ये डोमेन नेम होते हैं. ठीक है, ये जो नाम है ये होते हैं आपके डोमेन नेम, और जो स्पेस है जहां पे हम अपनी फाइलों को रखते हैं वो होती है होस्टिंग. अभी तक हम अपनी फाइलों को अपने कंप्यूटर में रख रहे हैं. ठीक है, तो मेरे केस में मेरा कंप्यूटर मेरा होस्ट नहीं है, क्यों, क्योंकि हमने पीएचपी स्टार्ट ही नहीं किया. जब स्टार्ट कर देंगे तो मेरा होस्टिंग हो जाएगा लोकल होस्ट, मतलब कि खुद का ही कंप्यूटर है, मैंने उसी को सर्वर बना दिया. बहुत सारे तरीके हैं उसको ऑनलाइन लेके जाने के, बट करेंटली वो लोकल होस्ट है, मैं अपने कंप्यूटर में देख सकता हूँ, सारा काम खत्म होने के बाद उसको इन फ्यूचर ऑनलाइन लेके आ सकता हूँ, कोई डोमेन मुझे नहीं मिलेगा. तो यही डिफरेंस है लोकल होस्ट और ग्लोबल में. ग्लोबल सर्वर जो होते हैं वो कोई भी एक्सेस कर सकता है और आपके डोमेन होस्टिंग की हेल्प से उसको देख सकता है, लोकल होस्ट में सिर्फ आप उसे देख सकते हैं. ठीक है, सो थोड़ा सा और डिफरेंस कर देते हैं. देखिए आपका एक लैपटॉप है, ठीक है, जैसे एक डोमेन होस्टिंग होती है ऐसी एक लैपटॉप है. लैपटॉप सपोज कर लेते हैं एचपी कंपनी का है, तो ये हो गया डोमेन, उसका नाम एचपी कंपनी का है. होस्टिंग आपकी हार्ड ड्राइव, एसएसडी, एचडीडी या मेमोरी कार्ड मान लो मोबाइल का, कि मोबाइल का जो आपका नाम हो गया लावा या रेडमी नोट 8, नोट 8 प्रो, नोट 10, 9cc या जो भी है, वो आपका हो गया डोमेन, उसका नाम, उसकी आइडेंटिटी, उसकी पहचान. आप चीजें कहां पे पेस्ट कर रहे हो, मेमोरी कार्ड, इंटरनल स्टोरेज, वो हो गया उसका सर्वर होस्टिंग. तो ऐसा ही कुछ वेबसाइट के केसेस में होता है. तो हमें चाहिए होगा अपना सर्वर, ऑब्वियसली बात है हम पैसे नहीं खर्चने वाले, आज तक तो हम सारा काम फ्री में ही करते आ रहे हैं, तो हम लोकल सर्वर बनाएंगे. उसके लिए आपको लिखना है गूगल पर जाकर डाउनलोड XAMPP सर्वर, मेक श्योर आप इसको XM ना पढ़े, ये XAMPP है. ठीक है जी, आप XAMPP, AMP, LAMP और एक और है कुछ ऐसा, WAMP, कोई भी रख सकते हैं, और भी दुनिया भर के सर्वर है,
अगर आप लिनक्स यूज़ कर रहे हैं आप लैम्प पे जा सकते हैं, वैम्प भी एक अच्छा ऑप्शन है। वैम्प थोड़ा इजी भी है स्टूडेंट के लिए, लेकिन मैं प्रीफर नहीं करता। क्यों? क्योंकि कॉर्पोरेट्स और कंपनी जैम्प यूज़ करती है और थोड़ा बहुत डिफरेंस है, कुछ लाइनों का फ़र्क है, तो हम वही यूज़ करेंगे। ऑब्वियस ही बात है भाई, जो कंपनी यूज़ करती है तो हम जैम्प यूज़ करेंगे। ठीक है, तो करना क्या आपको ये लिखना है, पहले लिंक पर चले जाना है। पहले लिंक पर जाने के बाद आपको पेज ओपन होगा, वो ये वाला होगा, और यहाँ से आपको अपने अकॉर्डिंग जो आपको वर्जन चाहिए उस पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। ये 64 बिट है, ठीक है, जब क्लिक करेंगे 64 बिट डाउनलोड होगा ये। सॉरी मेरा गला थोड़ा सा खराब है, छाले हुए पड़े हैं, सो आवाज हो सकता है फटी फटी रोबोटिक्स टाइप की आ रही हो। सो जब आप इस पर क्लिक करेंगे, आई डोंट नो क्या हुआ, इसका इंटरफेस चेंज हुआ है या मेरा नेट स्लो है, डाउनलोड ही हो जाएगा आपका बड़े आराम से। सी दिस, सो मैं इसको कट कर देता हूँ, मेरे पास इतना इंटरनेट नहीं है, लिमिटेड नेट होता है मेरे पास, वो भी 3G कनेक्शन। सो प्रॉब्लम उन लोगों को आएगी जो पुराने कंप्यूटर पे हैं और 32 बिट पे हैं, क्योंकि आज के टाइम पे सारे कंप्यूटर 64 बिट पे काम करते हैं, 64 बिट आर्किटेक्चर। पता कैसे लगाएं 64 बिट है या 32 बिट है? भाई डेस्कटॉप पे जाओ, दिस पीसी माय कंप्यूटर, जो भी दिखे राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज ले लो। मैं यहीं से कर देता हूँ, राइट क्लिक और प्रॉपर्टीज, ठीक है, वेट करो। वैसे तो मैं जैम्प को इंस्टॉल करके भी दिखा देता, लेकिन मेरा सिस्टम थोड़ा सा स्लो चल रहा है 6GB रैम होने के बाद भी, इसलिए मैं इंस्टॉल करके नहीं दिखाऊंगा, लेकिन प्रोसीजर बता देता हूँ। यहाँ से आपको मालूम पड़ जाता है कौन सा बिट है आपका, यहीं कहीं होता है ये रहा 64 बिट सिस्टम टाइप में। अगर 32 बिट है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, बट मैं उसका भी सॉल्यूशन देता हूँ। 64 बिट आप ले लीजिएगा यहाँ से, लिनक्स में है तो यहाँ से, मैक यूजर है तो यहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है, लेटेस्ट ही प्रीफर करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो यहाँ पे ऑब्वियस ही बात है आपको 32 बिट के लिए भी कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। सो आप लिखिए, 5-6 लिंक को ट्राई कीजिए, यहाँ तो आपको ऑब्वियसली नहीं मिलने वाला है। फाइल हिप पर जाके देखिए, क्या पता आपको मिल जाए, अलग अलग वेबसाइट्स को ट्राई कीजिए। फिर भी अगर किसी को दिक्कत आती है 32 बिट में, मुझे कमेंट करके बताइए, मैं थोड़ा सा रिसर्च करके आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा जो लोग कमेंट करेंगे उन्हें, या फिर आप मुझे फेसबुक पर जोड़ लीजिएगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन से लिंक लेके। सो ये डाउनलोड करने का बड़ा ही सिंपल है, आई एक्सेप्ट द लाइसेंस एग्रीमेंट, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, फलाना डिमकाना, जो भी आपको मिलता है सीधे सीधे आप करते जाइए। इंस्टॉल होने के बाद आप जाइए स्टार्ट पे और यहाँ पे टाइप कर लीजिए XAMPP XAMPP और क्लिक कर लीजिए, ठीक है। अगर ये इंस्टॉल सक्सेसफुल नहीं हो पाया तो सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है, सीधी सी बात है, ठीक है, सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है, या फिर विंडोज अपडेटेड नहीं है, कुछ भी रीज़न हो सकता है। तो दूसरा ये भी हो सकता है, सेटअप खराब हो, तो दूसरे सेटअप्स को भी आप ट्राई करें। तो जब आपका ये सक्सेसफुल खुल जाए, आपको क्या करना है, सिंपली आपको क्लिक करना है अपैचे और MySQL सर्वर को स्टार्ट करना है। तो आप क्लिक करेंगे अपैचे सर्वर पे, अपाचे भी बोल लो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। सो यहाँ पे आपको पोर्ट दिखता है 443, आपके केस में 443 रहेगा, सिंगल 3 और 80 रहेगा। जैसे ये ग्रीन हो जाए, कई केसेस में हो सकता है यहाँ पे टिक लगे, तो उसका वेट कर लेना, देन आप स्टार्ट कर दीजिए MySQL को। कई लोग इसको MySQL भी कहते हैं, लेकिन SQL नहीं है, ये MySQL है, ठीक है। तो ये भी क्लीन होना चाहिए, इसका भी कुछ लिख के आएगा यहाँ पे, डजंट मैटर, जो मर्जी लिख के आए। सो आप क्या करेंगे, सीधे सीधे लोकल होस्ट स्लैश और एंटर प्रेस करेंगे, इंटरनेट की कोई जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, और ये वर्क करेगा। अगर नहीं करता तो कौन सा केस है मैं बताता हूँ। जैसे कि मेरे केस में, मुझे लोकल होस्ट 8080 लिखना पड़ता है, लोकल होस्ट ये डबल बिंदी वाला कोलन 8080 और एंटर। नाउ 8080, ओके ओके ओके, सो 8080 जो है बेसिकली वो ये वाला पोर्ट नंबर है। कई कंप्यूटर में सिर्फ और सिर्फ लोकल होस्ट लिखने में चल पड़ेंगे, मैक्सिमम केसेस में ये होता है, आपका लोकल होस्ट लिखने पे चल पड़ता है, लेकिन कईयों में नहीं चलता, वो बोलता है ऑलरेडी इन यूज, तो ये आपका स्टार्ट ही नहीं होगा, यहाँ रेड लाइन है, बहुत सारी लिख के आ जाएंगी, बहुत सारा कचड़ा हो जाएगा और ये स्टार्ट नहीं हो पाएगा किसी रीजन से। मैं उस केसेस की बात नहीं कर रहा जहां वो ये बोलते हैं फाइल मिसिंग है, वहां आपके ड्राइवर्स की प्रॉब्लम है, जहां वो एरर दे दे रेड कलर का कुछ बता के कि पोर्ट मिसिंग है, ब्लॉक है, ये है वो है, वहां सिंपल सा काम है, आप डायरेक्ट लोकल होस्ट लिख के नहीं चला सकते। जैसे मेरे केस में मुझे 8080 लिखना पड़ रहा ना, वो कैसे किया मैंने, आप आएंगे कॉन्फिग में, अपैचे के कॉन्फिग में, और पहली वाली लाइन पे चले जाएंगे, ठीक है। यहां पे जब आप जाएंगे तो आपको यहां पे मिलता है 80, जैसे ही आप एंटर करेंगे ना, बाय डिफॉल्ट आपका यहां पे 80 होगा, आपने एक और 80 लगा देना है, लिसन में भी आपका 80 लिखा होगा, आप एक और 80 लगा देंगे और सर्च कर लीजिए, यहां पे भी आप कर देंगे 8080, नीचे आएंगे, ठीक है। इसके बाद आप करेंगे कंट्रोल एस प्रेस करके इसको सेव और कर देंगे क्लोज।
तो बेसिकली हुआ क्या, पोर्ट नंबर 80 हम इसको यूज करते हैं एचटीटीपी के लिए, लेकिन कोई और सॉफ्टवेयर हो सकता है वो भी यही वाला पोर्ट यूज कर रहा हो, तो ब्लॉक हो गया। हमने उसको चेंज कर दिया कि भाई 80 पर काम मत कर, 8080 कर ले। अगर आप सिंपल तरीके से रन करते हो जाए तो खामखा इसको चेंजेस मत करना, एरर आता है, रेड कलर की लाइनें आती हैं कुछ तो करना। अगर नॉर्मल तरीके से रन हो रहा है तो आपको सिंगल 80 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ लोकल होस्ट लिखिए, एंटर कीजिए, चल पड़ेगा। नाउ अब आप आएंगे सेकेंड नंबर पे, और यहाँ भी मेक श्योर आपको 80 को चेंज करना है। अगर आपको नहीं मिलता है तो यहाँ पे 443 लिखा होगा, आप इसको 443 के बाद एक और 3 लगा दीजिए, वैसे कुछ भी लिख सकते हैं, डजंट मैटर। और सेम जहाँ भी आपको ये बाहर है एक और, इसको भी मैंने 3 3 कर दिया, फिर आप इसको भी कंट्रोल एस करके सेव कर लेंगे, ठीक है। बस आपको इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना, और फिर जब आप एक काम करेंगे इसके बाद आपको इसको क्लोज कर देना है, और यहाँ से भी इसको क्लोज कर देना है, ठीक है। मैं अपडेट बंद कर लूँ पहले, तो रात के 9:07 हो चुके हैं विदाउट, आपको पता ही है नॉन स्टॉप सिंगल टेक में मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, हमेशा एडिटिंग का टाइम नहीं होता, पहली वीडियो बहुत डिले होती है मेरी। जल्दी आ जा भाई, इतना नेट नहीं है अपने पास। इसके बाद आपको कर देना है यहां से भी उसको क्लोज, वो करने के बाद आप दोबारा ओपन कर लेंगे। सी दिस प्रॉब्लम डिटेक्टेड, भाई ना कर दिक्कत। स्टॉप कर दिया मैंने, देन आप कर लेंगे स्टार्ट, फाइनली हो जाएगा आपका क्योंकि ये पोर्ट अवेलेबल है। देन आप MySQL को स्टार्ट करेंगे, डन। तो क्योंकि मैंने 8080 लिखा है तो मैं भाई ऊपर भी 8080 ही लिखूंगा, ठीक है। तो जब बाय डिफॉल्ट लिखेंगे तो ऐसा कुछ नहीं आएगा, आपके पास जैम सर्वर लिख के आएगा, मैंने बहुत छेड़छाड़ की हुई है, दैट्स वाई ये वाला पेज आ रहा है यहाँ पे। सो आपके केस में कुछ और होगा, कुछ नहीं करना आपने उसको। सर्वर आपका सक्सेसफुली ऑन हो चुका है, ठीक है जी। आज के वीडियो के लिए इतना ही है, 10 मिनट से ऊपर हो गया है, शायद मैं अभी साथ साथ इसका सेकेंड पार्ट भी लॉन्च कर दूँ। 10-12 मिनट के बाद उसको भी चेक कर लेना, वीडियो बड़ी नहीं बना रहा हूँ मैं, ठीक है। तब तक आप इसको डाउनलोड करके रखिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है ये, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।